पढ़ेंगे, गणित का टॉपिक पढ़ेंगे, भिन्नों का दशमलव संख्याओं में निरूपण कि भिन्नों को दशमलव संख्याओं में किस तरह से दर्शाया जाता है। हमने पढ़ा था, भिन्न हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कि भिन्नें क्या होती हैं, भिन्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसी तरह से दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं। कुछ राशियां हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम सिर्फ पूर्णांकों से नहीं दर्शा सकते, उन राशियों को दर्शाने के लिए दशमलव संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जब किसी संख्या के भाग को दर्शाना होता है, हिस्से को दर्शाना होता है, तो उस हिस्से को लिखने या दर्शाने के लिए हमें दशमलव संख्याओं या भिन्नों का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट को हमें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो इस चॉकलेट को, पूरी एक चॉकलेट को तो हम लिख देंगे कि ये कितनी है, एक है, लेकिन इसके जो हम हिस्से करेंगे, दो, इसके जो हमने हिस्से किए हैं, ये जो इसका हिस्सा है, दसवां हिस्सा जो एक बच्चे के हिस्से में जो चॉकलेट आई है, उसे हम कैसे दर्शाएंगे। अभी तक हमने भिन्नें पढ़ी हुई है कि इसे हम क्या लिख देते हैं कि 1/10। ये हमारा क्या है, इस हिस्से का भिन्नात्मक निरूपण है, भिन्न रूप में से दर्शाया गया है। अब इसे हम दशमलव में किस तरह से दर्शाएंगे, तो इसे दशमलव में दिखाने के लिए क्या होता है कि ये जो इसके नीचे हर में 1-0 है, तो दशमलव और दशमलव के बाद सीधा ये ऊपर वाला अंश आ जाता है, ये दशमलव 1, ये दिखाता है कि ये इसका दसवां हिस्सा है। इस तरह से भिन्नों का हम दशमलव निरूपण करते हैं, दशमलव संख्याओं में उन्हें दिखाते हैं। अब दशमलव संख्याएं हमारी कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। हमारी दशमलव संख्याएं, जब किसी कोई संख्या है 2.45, ये हमारी दशमलव संख्या है। ये जो बिंदु है, ये होता है हमारा दशमलव, इसे इंग्लिश में हम डेसिमल बोलते हैं, और इसे पढ़ते हैं हम। इसे पढ़ने का क्या तरीका होता है दशमलव संख्याओं को, ये इस तरह से पढ़ा जाएगा 2.45, यानी कि दशमलव के बाद चाहे जितने भी अंक होते हैं उन्हें हम एक एक करके बोलते हैं। इस तरह से नहीं बोलते 2.45, ऐसे नहीं बोला जाता है। इसे पढ़ने का तरीका यही होता है 2.45। अगर दशमलव से पहले कोई भी हमारे पास अंक नहीं है और सिर्फ बाद में कुछ अंक है, तो इसे हम पहले, इसके पहले 0 लगा लेते हैं, क्योंकि दशमलव से लगा हुआ पहला 0 ये इसका इसकी कोई इस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और इसे 0.46 इस तरह से पढ़ा जाएगा। अगर इसके आगे और कोई डिजिट भी है और कोई अंक भी है, तो इसे ऐसे ही पढ़ेंगे 0.465, एक एक करके अंकों को पढ़ा जाता है। अब भिन्नों को हम दशमलव संख्याओं में बदलते कैसे हैं, ये हम सीखेंगे कि अगर कोई संख्या हमारी भिन्न में लिखी हुई है, तो उसे हम दशमलव संख्या में किस तरह से दिखाते हैं। ये सपोज करो ये हमारे पास है 12/10। अब ये संख्या हमें, ये हमारे पास भिन्न है और ये हमें दशमलव संख्या में बदलनी है, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब होता है 10 से 12 को भाग दिया जा रहा है, 10 से 12 को भाग दिया जा रहा है, 10 एकम 10 और बचा हमारे पास 2। अब क्या है, नॉर्मल भाग जब हम करते हैं, जब हम सिर्फ बिना दशमलव वाली संख्याओं के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो इसे हम शेष लिख के छोड़ देते हैं और ये हो जाता है हमारा भागफल और 2 शेष। लेकिन दशमलव में इसे यहाँ नहीं छोड़ा जाता, इसे क्या करते हैं, हम भागफल में दशमलव लगाते हैं और यहाँ 0 बढ़ा लिया जाता है। अब 10 का भाग हम 20 में देंगे, 10 × 20, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद कोई शेष हमारे पास नहीं बचा, तो 12 को दशमलव संख्या में किस तरह से दिखाएंगे, 1.2। दूसरा जो डायरेक्ट इसका प्रोसेस है कि जब हमारा जो हर में जो संख्या है, हमारी जो हर में जो संख्या है, अगर वो इस तरह से है 10, 100, 1000, यानी कि 1000, 10000, 1 के साथ 0
है। जब जब इस तरह की कोई संख्या है तो क्या करेंगे हम उसके लिए, हम उसे क्या उसमें जितने भी जीरो हैं उन्हें काउंट करते हैं कि 100 में हमारे कितने जीरो हैं, एक और एक दो। तो ऊपर अंश में जो संख्या है उसमें हम क्या है कि दाएं तरफ से अंकों को गिनेंगे एक दो और उतने ही अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे 12 बटे 10 था, इसमें जीरो की संख्या कितनी है, एक है, तो एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। इसी तरह से कोई और एग्जांपल लें हम, ये है 14 बटे 1000, इसे हम दशमलव संख्या में किस तरह से दर्शाएंगे, तो हम अपने जीरो कितने जीरो हैं हर में कितने जीरो हैं उन्हें काउंट करेंगे, एक दो तीन, और जो अंश वाली संख्या है उसके अंक गिनने शुरू करेंगे, कौन सी तरफ से, दाएं तरफ से नहीं गिनेंगे। ये है हमारे एक दो, ये हमारे पास दो ही अंक है लेकिन हमें तीन अंकों से पहले दशमलव लगाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम जीरो बढ़ा लेंगे और उससे पहले दशमलव लगा देंगे। ये कब है कि जब सीधे सीधे इस तरह की संख्याएं हैं कि एक के साथ में जीरो वाली, यानी कि 10, 100, 1000 या 10000, 1 लाख, इस तरह की संख्या हमारी जब घर में है तब डायरेक्ट हम दशमलव को लगा देते हैं। अब लेकिन जब हमारा हर इस तरह से ना होके कोई अन्य संख्या है जैसे 12 बटे 15, इसे हम कैसे दिखाएंगे, हम समझ चुके हैं पहले क्वेश्चन कि हमने 10 से भाग दिया था, यहाँ 12 बटे 15 का क्या मतलब है कि 12 वस्तुओं के 15 टुकड़े किए गए हैं, 12 का 15वां हिस्सा, तो इसे हम सीधे सीधे भाग देंगे 15 से 12 को, 15 से 12 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और क्या इसमें जीरो बढ़ जाएगा। अब जब इसमें जीरो बढ़ गया, ये हो गया हमारा 120 और हमें पता है हमारा 15 अट्ठे 120, इसमें कोई शेष नहीं बचा, इसे हम किस तरह से लिख देंगे, दशमलव 8। एक तो एग्जांपल और लेते हैं हम और समझते हैं कि भिन्नों को दशमलव में किस तरह से दर्शाया जाता है। ये है 26 बटे 19, ये दो एग्जांपल हैं, इनके इनसे समझते हैं हम इनकी हेल्प से कि इन्हें किस तरह से दशमलव संख्याओं में बदलेंगे। 26 बटे 19 का क्या मतलब है, 19 से 26 को भाग दिया गया है, 19 एकम 19, 16 में से 9 गए, 7 बचेंगे, अब 7 में 19 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 19 का पहाड़ा 70 में पढ़ेंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौ 76, जो कि ज्यादा हो रहा है 19 तिया 57 और 10 में से 7 गए 3, 6 में से 5 गए 1, ये 13 बच गया। अब क्या है कि 13 में भी 19 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो अब यहाँ हम सिर्फ एक संख्या में एक ही बार दशमलव लगता है, लेकिन एक बार दशमलव लगने के बाद, भागफल में दशमलव लगने के बाद हमें एक जीरो बढ़ा लेने की अनुमति होती है हर स्टेप पे। एक बार दशमलव लगा के जीरो बढ़ा चुके हैं लेकिन यहाँ हमें ऐसे ही जीरो बढ़ा लेंगे, सिर्फ एक जीरो। अब 130 में हम 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौ 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, ज्यादा हो रहा है तो 6 बार इसे हम भाग दे देंगे, 10 में से 4 गए 6 बचे और ये हो गया 16। अब हम जो नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं दशमलव के दो अंकों तक करते हैं, तो 26 बटे 19 को हम दशमलव के रूप में किस तरह से दिखाएंगे, 1.36, ये हो जाएगा हमारा इस भिन्न का दशमलव रूप। एक एग्जांपल ये है कि 47 को भाग देना है 4 से, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, 7 उतार लेंगे और हो गया हमारा 4 एकम 4, ये 3 बच गया। अब 3 में 4
तो दशमलव लगाएंगे भागफल में और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। चार सत्ते 28 और 10 में से 8 गए 2, और फिर क्योंकि 2 में 4 से भाग नहीं जाएगा और दशमलव हम लगा चुके हैं तो यहाँ हमें एक जीरो बढ़ा लेने की परमिशन है और हम सीधा यहाँ एक जीरो बढ़ा के 4 से भाग कर देंगे। 4 × 5 = 20। अब इसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है तो 47/4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 11.75। ये होता है भिन्नों को दशमलव संख्याओं में उनका निरूपण या दशमलव संख्याओं में बदलना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।